नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम का FCI का कैटेगरी वन का बहुत ही पोस्टों का फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ बताएंगे इस फॉर्म को भरने में एक हैंड राइटिंग लग रही है, उस हैंड राइटिंग में क्या लिखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने गलत लिख दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा दूँ। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, जिसमें AGM है, मेडिकल ऑफिसर है, कई अलग अलग पोस्ट है, कुल मिला के 89 पोस्ट है, जिसकी जो है भर्ती का फॉर्म जो है चालू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आपको फॉर्म जो है भर के दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगी, नोटिफिकेशन को साइड कर देते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये जो फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा रोजगाररिजल्ट.com पे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रस्टेबल एक भरोसेमंद वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com आपको खोलना है। टॉप ऑनलाइन फॉर्म में आप देख सकते हैं मिल जाएगा FCI वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पे। दोस्तों जिस दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ उसका नाम है सरकारीरिजल्ट.com। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही पुराने और एक ही बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको गूगल पे सरकारी रिजल्ट डालना है जो वेबसाइट खुले उस पर चेक करना है .com लगा है कि नहीं, ये वाला लोगो है कि नहीं, अगर नहीं है तो नकली और फेक वेबसाइट है, उस पर आपको गलत जानकारी गलत लिंक वगैरह मिल सकते हैं। तो सीधा हम क्लिक कर देते हैं FCI वेरियस पोस्ट पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बता दें इसकी जो फीस है जनरल OBC WS की 1000 है, SC ST और महिलाओं की कोई भी फीस नहीं है। इसका फॉर्म लास्ट डेट 30 मार्च है, जो शाम के 4 बजे तक चलेगा। तो एलिजिबिलिटी आपने देख ली है, मास्टर डिग्री है और किसी में BSc एग्रीकल्चर है। तो अलग अलग सब में दी हुई है, मैं आपको जो है इसमें AGM लॉ है, अलग अलग पोस्ट है, मैं आपको जो है AGM एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्म अभी भर के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधा जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको इसमें और जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन भी यहाँ से सिंगल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो कलर का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया। देखिए मैंने मार्क कर दिया, आपको इस पर क्लिक करना है, और जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो यहाँ पर लॉग इन करके अपने फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो हम नए यूज़र हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको बता दें इसमें अपनी फोटो सिग्नेचर आपका थंब है, और साथ ही साथ हैंड राइटिंग भी जो स्कैन करके लगने वाली है, बाकी क्या क्या लगेगा आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, दोबारा नाम मैंने कंफर्म कर दिया। अगर आपका मिडिल नेम कुछ है तो डालिए, लास्ट नेम कुछ है डाल दिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी आपकी कहाँ पे वो डालना हो, यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी लिखना है। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी है abcd@gmail.com, तो यहाँ पे abcd@gmail.com इस तरीके से पूरा आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पूरा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, जैसे लिखा, और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलना है। तो हम इसको डालते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप तुरंत देखेंगे कि हाँ ग्रीन कलर से एक आ रहा है, इसमें आपका एक आईडी और पासवर्ड है। ये आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल से भरें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आईडी पासवर्ड आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, फोटो लगानी और नीचे सिग्नेचर लगाना है, उसके यहाँ नेक्स्ट आपको बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं फोटो सिग्नेचर लगाता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप फोटो सिग्नेचर आगे लगा के बढ़ेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने जैसे कहा कि मैं AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे अपनी कैटेगरी को जो है सिलेक्ट कर दूंगा, आपकी जनरल OBC जो भी कैटेगरी उस पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ते जाएंगे, जो चीज़ हाइड है उसको छोड़ देंगे, और जो चीज़ सिलेक्ट होने पर आ रही है उसको आप सिलेक्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पूछा आप FCI के एम्प्लाई है या एक्स सर्विस मैन, अगर आपको इसमें किसी में भी हो तो यस करना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके यहाँ पे पूछा दोस्तों कि आप जो अपना जो स्कोर कार्ड आएगा वो आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे, इनकी जो अलग अलग पोस्ट होती है जैसे DOP होती है, तो अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपको और भी ज़्यादा जो है चांस मिल सकते हैं। तो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिकेशन में अगर आप आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। माइनॉरिटी में दोस्तों बता दूँ कौन कौन आएंगे, मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सब अगर आप हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद पूछा आपका जो सेंटर चाहिए यानी एग्जाम सेंटर चाहिए वो किस स्टेट में चाहिए, मैंने UP में कर दिया, UP में केवल एक ही सेंटर है जो है लखनऊ। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है, यहाँ पे आपको जैसे डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पे एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप ट्विंस है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, मदर नेम डाल देना है, नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है,
और दोस्तों अगर आपको दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग आप उसको भर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है जिसमें पूछ रहा है आपको जो इसका बिल यानी कि जो आप रसीद पे करेंगे इसकी, वो रसीद आपको किस एड्रेस पे चाहिए, अपने परमानेंट एड्रेस या लोकल एड्रेस। तो मैंने दोनों एड्रेस सेम कर रखा है तो मैंने इस पर कुछ भी क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद हम वैलिडेट करके चेक कर लेंगे, देख सकते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी छोड़ेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा रेड कलर से और वो चीज़ आपको भरनी पड़ेगी। तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पूछा गोजी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में मैंने जो है आपका लॉ है, LLB है, जो भी है आप इसको डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कॉमर्स है, मैंने कॉमर्स कर दिया है। यहाँ पे मैं अपनी पासिंग डेट डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना परसेंटेज डाल दिया, डिवीज़न डाल दिया। उसके बाद PG वगैरह अगर आपका कुछ है तो जैसे MBA कर रखा है तो MBA यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप इसको MBA को चाहे तो यहाँ पे भी आप प्रोफेशनल भी जो है शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे जो है शो कर दिया है, वो आपकी इच्छा है आपको जो है कहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया है। यहाँ पे लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, रीड राइट स्पीक, और इसी तरह जो है आपको तीन लैंग्वेज के इसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको इसमें कुछ और आता हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वैलिडेट करते हैं। उसके यहाँ पे पूछ रहा है आपका एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। मैंने नो कर दिया, अब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म पूरा जो है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो जगह जो है टिक करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ टिक कर रहा हूँ। इसी तरह आपको ऊपर फोटो पे भी अपना जो है टिक करना पड़ेगा, कंफर्मेशन की फोटो आप ही की है, सिग्नेचर आप ही का। तो हम यहाँ पे फाइनल सबमिट करते हैं क्योंकि हमने सब कुछ चेक कर लिया। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है, यहाँ पे बैक का बटन है, बैक करके पहले उसको सुधार कर लीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई भी चीज़ सुधार नहीं होगी। तो हम इसको सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछ रहा है दो चीज़ें आपको फिर से स्कैन करनी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है और साथ ही साथ आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगाना है। तो दोस्तों आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे, दोस्तों इसमें बहुत से लोग गलत कर देते हैं, कुछ भी लिख के लगा देते हैं और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जो है लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना और हैंड रिटन में क्या लिखना है उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं नोटिफिकेशन खुला हुआ है, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे लिखा हुआ है कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। आपको लिखना है आई, उसके बाद अपना नाम लिखना है और इसके बाद ये नेम ऑफ द कैंडिडेट में अपना नाम डाल देना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके इसी तरह आपको लिखना है हियर बाई डिक्लेयर दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्टेड ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड। तो इस तरह आपको फुल स्टॉप वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना है और ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हैंड राइटिंग लिख के इसको एक वाइट पेपर में रनिंग हैंड में आपको लिखना है। तो दोस्तों अब इसको हम अपलोड करते हैं और दिखाते हैं आपको जो है कि बाकी चीज़ें कहाँ पे है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ये फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा। आप इधर फीस दे सकते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा इसका पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट कैश कार्ड है, QR कोड है, UPI है। लेकिन दोस्तों मैं जो सबसे प्रीफर मेथड मानता हूँ वो मानता हूँ अपना डेबिट कार्ड मांगता हूँ और इंटरनेट बैंकिंग को, क्योंकि इसमें जो है इरर होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो दोस्तों उसका पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अप्लाई ऑनलाइन करने के लिंक दे रखे हैं जहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।